मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम में स्क्रैप डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक पर जा रहे डीलर पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, 6 से 7 लगी गोली, मेदांता में मौत। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जारी है तफ्तीश। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। वीरवार की दोपहर बाद जहां हुई एक हत्या में अभी अपनी पुलिस जी बिजी थी, वहीं देर रात पुलिस को फिर नया टास्क मिल गया। इस टास्क में पुलिस जी अब उन दो भाइयों की तलाश कर रही है जिन्होंने एक स्क्रैप डीलर पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां और उसकी अस्पताल में हो गई मौत। हत्या का यह मामला वीरवार की देर रात करीब 11 बजे का है, जब भोड़ा कला निवासी स्क्रैप डीलर सुमित चौहान अपने एक दोस्त के साथ बाइक से घर जा रहे थे। इसी बीच जब वो भोड़ा खुर्द रोड पर पहुंचे तो पीछे से आए दो बाइक सवार और उन्होंने बाइक पे पीछे बैठे सुमित चौहान पर दाग दी गोली। बस इसके बाद सुमित चौहान गिर गए बाइक से और फिर उन्होंने अंधाधुंध बरसाई सुमित पर गोली और मौके से हो गए फरार। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण और अपनी पुलिस जी मौके पर पहुंचे। सुमित को ले जाया गया मेदांता हॉस्पिटल, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुमित के पिता दिनेश चौहान के बयान पर थाना बिलासपुर पुलिस ने दर्ज किया है मामला और हत्या का आरोप लगा है भोड़ा कला गांव के दो सगे भाई जोगेंद्र उर्फ कालूराम और उसके भाई हनी पर, जो अभी फरार बताए गए हैं। काम के मतलब काम बंद करके घर की तरफ जा रहे थे तो छोटा बोड़ा मोड़ है, वहाँ पे कुछ बदमाश आए, भाई को कुछ राउंड फायर मारी, 2 गोली सिर में लगी, 1 कमर में लगी, ऐसा बताया जा रहा। मैंने देखी हुई 2 गोली तो मैंने देखी थी जो कि सिर में लगी हुई है और भैया ने ऑन द स्पॉट वहीं भाई की मौत हो गई थी। बिलासपुर थाना प्रभारी अजय मलिक ने बताया कि शुरुआती जांच में ये मामला व्यापारिक प्रतिद्वंद्वता का लग रहा है और आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। तो साहेबान, हत्या का ये नया मामला भले ही आपसी रंजिश का परिणाम है, लेकिन अपनी पुलिस जी की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल या निशान खड़ा हो गया है। पुलिस की गश्त और सतर्कता के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अपनी पुलिस जी इन आरोपियों को कब तक कर पाएगी गिरफ्तार। तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।